बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 13। टुडेज़ टॉपिक इज़ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, DFIs। डियर स्टूडेंट्स, एज यू आर फेमिलियर विद दिस टर्मिनोलॉजी, हम जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर कर रहे थे तो हमने उस वक्त भी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ी सी बात की थी कि दे आर गोइंग टू बी ट्रीटेड इन द कैपिटल अकाउंट्स, और हमने कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो किस तरह से होता है किसी कंट्री के अंदर उसको देखा था। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली द वे टू एंटर इन टू द इंटरनेशनल मार्केट और इन टू द ग्लोबल मार्केट। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंटरनेशनल बिजनेस में, मल्टीनेशनल बिजनेस में, जब कोई फर्म किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाके एंटर होकर बिजनेस स्टार्ट करने जाती है और अपना पूरा सेटअप वहां पर जाके इस्टेब्लिश करती है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड द डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब वाई डू दी फर्म्स आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वाई कांट दे हैव दैट इन्वेस्टमेंट इन देयर ओन वेरी कंट्री? इट्स ऑलवेज टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज, टू एक्सपैंड योर मार्केट साइज एंड टू इंक्रीज योर मार्केट शेयर। इट इज ऑलवेज अबाउट लाइक दैट। डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट से मतलब यह है कि जब आप किसी फॉरन कंट्री के अंदर एंटर हो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, you might be using your own supplies, you might be using the supplies from that very own country. Direct foreign investment kyun important hoti hai? Direct foreign investment isliye bhi important hai, for many developing countries it is a way to prosper, it is a way to grow. Kyunki jab bhi bahar se foreign direct investment aapki country ke andar aati hai, especially in the developing country, it always creates the employment opportunities. आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आता है उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं और आपकी कंट्री के अंदर प्रॉस्पेरिटी आती है। अब जो दूसरे एंड के ऊपर कंट्री जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उसको क्या फायदा होता है? उसको ये फायदा होता है कि दे आर एंटरिंग इन टू अ न्यू मार्केट, फॉरन मार्केट में वो एंटर होते हैं फॉर इंक्रीज कॉम्पिटिशन, टू कैप्चर लार्जर मार्केट शेयर, टू एंजॉय दी raw material at cheap prices, perhaps for the cheap labor, perhaps for certain other subsidies. We will be talking more about it. मैं आपको ये बता रही हूँ कि foreign direct investment जो है वो दोनों तरह से beneficial है, from the point of view of those who are making the investment and from the point of view of those who are having this investment, foreign direct investment in their very own country. So the chapter objectives are to describe common motives for initiating direct foreign investment. जैसे कि मैंने आपको start के अंदर, जब हमने introduction में मैंने आपको उसके कुछ common motives बताए थे कि why do we need to initiate this direct foreign investment, and to illustrate the benefits of international diversification. We will be also looking at the benefits of the international diversification, कि international diversification का क्या फायदा होता है. What is diversification? जी आप बता सकते हैं, वेरी गुड। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि नॉट पुटिंग ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट, दैट इज टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी एक जगह के ऊपर या किसी एक इन्वेस्टमेंट के अंदर या किसी एक एसेट में ब्लॉक नहीं करना। यू मे फाइंड आउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ दोज इंटरनेशनल diversifications. So to illustrate the benefits of international diversification, the foreign direct investment is another tool. Coming to the motives for DFIs, what are the motives for direct foreign investment? What is the purpose? Why do we want to do this direct foreign investments? MNCs commonly consider DFI because it can improve their profitability and enhance shareholder वेल्थ। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हमने किसी भी फर्म का गोल पढ़ा था, द गोल ऑफ अ फर्म शुड बी टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, यही था ना, द गोल ऑफ अ फर्म शुड बी टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। हमने हर जगह पे फाइनेंस की बुक्स के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक्स के अंदर हमेशा यही पढ़ा है, द गोल ऑफ अ फर्म शुड बी टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। और यहाँ पे भी आप देखें कि DFI का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ।
एंड टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी. व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी इज revenues minus expenses. And what is the shareholders' wealth? Goal of a firm. Goal of a firm should be to increase the shareholders' wealth. So MNCs, you have commonly they consider DFIs because it can improve their profitability and it can enhance the shareholders' wealth. So either it is going to increase the profitability, that is the first motive, and also it is going to enhance the shareholders' wealth. Dekhen, jo profitability of a firm hai, that is always going to be translated into the shareholders' wealth. Jo profitability hai, ultimately it is going to increase the value of the firm, that is the to increase the shareholders' wealth. तो डीएफआई का भी यही मोटिव है. बेसिकली इट इज टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड इट इज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ. बेसिकली दैट इज द पर्पस. प्रॉफिट एनहांस करने के लिए आप डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में जाते हो. इन मोस्ट केसेस एमएनसी इंगेज इन डीएफआई बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन बूस्टिंग रेवेन्यू, रिड्यूसिंग कॉस्ट और बोथ. और बहुत दफा ऐसा होता है कि दे वॉन्ट टू एंटर इन टू द फॉरन मार्केट टू इंक्रीज रेवेन्यूज, आइदर टू डिक्रीज कॉस्ट और बोथ. बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू and decreasing cost at the same time, increasing revenue and decreasing cost. Now the revenue related motive for DFIs. Number one, attract new sources of demand. Establish a subsidiary or acquire a competitor in a new market. अच्छा, अगर आपका motive ये है to attract new sources of demand, तो the means of achieving this benefit is going to be establish a subsidiary or acquire a competitor in a new market. Aap either you are going to establish a subsidiary or you acquire a competitor in the new market. So ye jo motive hai aapka ke if you want to attract new sources of demand, to either you may establish a separate subsidiary ya us existing market ke andar already koi competitor kaam kar raha hai usko aap acquire kar le. Theek hai na? For example, अभी इस वक्त हमारे पास बहुत सारी सेलर और फोन कंपनीज काम कर रही हैं. अगर आप सपोज ये समझें कि कोई एक नई बड़ी कंपनी फर्म आना चाह रही है इसी सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, एंड दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट न्यू सोर्सेज ऑफ डिमांड. लाइक अभी फिलहाल जो हमारे पास मोबाइल फोन के ऊपर सर्विसेज अवेलेबल हैं उसमें लेट से एक या दो और एडिशंस के साथ जो डिमांड है लोगों की, पीपल जो पब्लिक डिमांड है उसको वो लेके आते हैं और उसके अंदर एक नया फीचर लेके आना चाहते हैं. तो आइदर दे आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद देयर न्यू ऑपरेशन और दे आर गोइंग टू एक्वायर द एग्जिस्टिंग सम ऑफ द एग्जिस्टिंग सेलुलर कंपनी इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश देयर इन ऑर्डर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव. व्हेन द मोटिव इज टू एंटर प्रॉफिटेबल मार्केट टू एक्वायर अ कंपेटिटर दैट हैज कंट्रोल इट्स लोकल मार्केट. सो इफ यू वॉन्ट टू, अगर आपका मोटिव यह है कि यू वॉन्ट टू एंटर the profitable markets, then you are going to acquire a competitor that has controlled its local market. Aap kisi competitor ko acquire kar le which has already controlled its local market. Exploit monopolistic advantages. Establish a subsidiary in a market where competitors are unable to produce the identical product. Acha, monopoly ki badi achhi example hamare country ke andar PTCL ke hawale se hai. Ek arse tak PTCL वालों की हमारे कंट्री के अंदर मोनोपोली रही है. अब उस मोनोपोली की वजह से दे हैव एंजॉयड अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. लेकिन जब से सेलुलर फोन कंपनीज आई हैं, ये जो उनका मोनोप्लास्टिक एडवांटेज था, मोनो मीन्स वन, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन जो हम इकोनॉमिक्स की टर्म में, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बहुत ज्यादा ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, आपने अगर इसको एक्सप्लॉइट करना है तो यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश अ सब्सिडरी इन अ मार्केट where competitors are unable to produce the identical product. जहां पे competitors जो हैं they are not able to produce the similar kind of a products. React to trade restriction. If your motive is to react to the trade restriction, then you are going to establish a subsidiary in a market where trade restrictions will adversely affect export volume.
आप फिर ऐसी जगह पे इस्टेब्लिश करें सब्सिडरी को जहाँ पे ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस दे आर गोइंग टू एडवर्सली इफेक्ट द एक्सपोर्ट वॉल्यूम, जहाँ पे वो उसको एक्सपोर्ट वॉल्यूम को इफेक्ट करे, ऐसी मार्केट के अंदर आप सब्सिडरी इस्टेब्लिश करें. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, DFIs को बेसिकली हम इस्टेब्लिश करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द रेवेन्यू रिलेटेड मोटिव्स. रेवेन्यू रिलेटेड मोटिव में देर आर फोर मोटिव्स, जैसे कि आप देख सकते हैं. नंबर वन इज टू अट्रैक्ट न्यू सोर्सेज ऑफ डिमांड. नंबर टू इज टू एंटर प्रॉफिटेबल मार्केट्स. नंबर थ्री इज एक्सप्लॉइट मोनोपोलिस्टिक एडवांटेजेस. एंड नंबर फोर इज टू रिएक्ट टू द ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस. इन सभी मोटिव्स को अचीव करने के लिए देर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ अचीविंग द बेनिफिट्स. सो रेवेन्यू रिलेटेड मोटिव्स फॉर DFIs आर डिफरेंट. मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया DFIs जो है वो आप ये समझ लें कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे दोनों पार्टीज को फायदा होता है. जहां पे जिस जगह पे आप अपनी सब्सिडरी लेके जा रहे हैं उस कंट्री को भी फायदा होगा और जो लेके जा रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट उसको भी फायदा होगा. लाइक पेरेंट और होम कंट्री को भी फायदा होगा और होस्ट कंट्री को भी फायदा होगा. समझ आ रहा है? दोनों कंट्रीज को फायदा होगा. और वो कैसे फायदा होगा? जाहिर है एक दूसरे की नीड्स को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं. दे कॉम्प्लीमेंट दी नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ ईच अदर. जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे यहाँ ये जो कॉल सेंटर्स का बिजनेस है आपने देखा है कि बहुत फ्लरिश किया है फॉर ड्यूरिंग द लास्ट 4 or 5 years. उसका रीजन ये था कि गवर्नमेंट ने 2008 के अंदर इसको कहते हैं कि टैक्स फ्री जोन बनाया था फॉर 10 years. तो 2017 तक इट वॉज पाकिस्तान के अंदर जो भी अपना कॉल सेंटर बना ले सब्सिडी ओपन करना चाहे उसके लिए दैट वॉज अ टैक्स फ्री जोन. अब उस टैक्स फ्री जोन होने की वजह से बहुत सारी फर्म्स ने अपने कॉल सेंटर्स को डिफरेंट कंट्रीज से इवन इंडिया एंड बांग्लादेश से यहाँ पे शिफ्ट किया. उसके और भी बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स थे, परहैप्स बिकॉज ऑफ बेटर कॉम्पिटिशन और बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज और समवट लाइक दैट. तो उसकी वजह से भी बहुत सारे ऑपरेशंस जो कॉल सेंटर के थे वो पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट हुए. तो समटाइम्स जो DFIs हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो किसी बेनिफिट को भी देखने के लिए या एक्सप्लॉइट करने के लिए मूव करती हैं इन ऑर्डर टू हैव दैट बेनिफिट. इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट एरियाज हैं, जैसे नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे कुछ टैक्स फ्री जोन्स हैं या टैक्स सब्सिडीज मिलती हैं. तो उस उन एरियाज के अंदर भी यू कैन ओपन अप योर ऑपरेशंस और टैक्सेस की आपको रिबेट मिलती है. तो बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको इन जगहों के ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट के फायदे होते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपिंग कंट्रीज ये करती हैं ताकि लोग वहां पे आएं और इन्वेस्टमेंट करें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पे राइज हों और क्वालिटी ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो. समझ आ रहा है ना? अब देखें जैसे हम लोग ये बहुत पसंद करेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर DFIs आएं. उसकी रीजन ये है कि आर कंट्री इज डेवलपिंग कंट्री एंड वी आर इन द नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड वी वॉन्ट टू इम्प्रूव आर क्वालिटी ऑफ लाइफ. हमारे यहाँ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड या जो परचेजिंग पावर है वो बहुत लो है, जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए. नॉट इवन आर कंट्री पाकिस्तान, मेनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज दे आर वेरी वेरी मच फॉन्ड ऑफ दीज डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो मैं आपको बता रही थी स्टूडेंट्स रेवेन्यू रिलेटेड मोटिव फॉर DFI. आगे चलते हैं. नंबर फाइव इज डाइवर्सिफाई इंटरनेशनली. एस्टैब्लिश सब्सिडरीज इन मार्केट्स विद डिफरेंट बिजनेस साइकिल. अच्छा, अब डाइवर्सिफिकेशन से का बेसिक पर्पज ये होता है कि यू आर गोइंग टू एंटर इन टू द मार्केट्स विद द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स. डिफरेंट बिजनेस साइकिल से मतलब यह है कि डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स के डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स होंगे. कोई प्रोडक्ट आपकी ग्रोथ में होगा तो कोई आपका मेच्योरिटी में होगा, कोई आपका डिक्लाइन की तरफ आ रहा है तो कोई आपका इंट्रोडक्शन और ग्रोथ की तरफ जा रहा है. इट इज जस्ट लाइक दैट. दिस इज द नॉर्मल बिजनेस साइकिल. ये इंट्रोडक्शन स्टेज है, दिस इज मेच्योरिटी एंड दिस इज डिक्लाइन. अब जो डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स हैं वो डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर डिफरेंट होंगे. कुछ आपके ऐसे हैं, ठीक है ना, एक किसी एक टाइम के ऊपर, ठीक है ना, किसी का मेच्योरिटी चल रहा है, किसी का इंट्रोडक्शन चल रहा है, किसी की ग्रोथ चल रही है, इस तरह से किसी एक टाइम के ऊपर द डिफरेंट बिजनेस साइकिल विल हैव डिफरेंट स्टेजेस. तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो एक कंसिस्टेंट रेट के ऊपर, एक कंसिस्टेंट वैल्यू के ऊपर आपके रीप होते रहेंगे. मीन्स के आपकी जो रिटर्न पैटर्न्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी एडवर्सली इफेक्टेड बाय दिस
अगर आप डाइवर्सिफाइड होंगे. अगर डाइवर्सिफाइड नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? कैन यू इमेजिन इफ यू आर नॉट डाइवर्सिफाइड और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक ही प्रोडक्ट में है जिसका बिजनेस साइकिल जो है वो एक दफा ऊपर जाएगा एंड देन इट विल कम डाउन, तो क्या होगा? एक टाइम आपका ऐसा आएगा जिसपे आपके जो रिटर्न है वो नेगेटिव में चले जाएंगे एंड यू विल बी इन लॉसेस. तो स्टूडेंट्स, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो जैसे हम कोरिलेशन भी पढ़े थे कि आपके जो डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स हैं दे आर गोइंग टू ऑफसेट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ वन एंड अदर, सो दैट आपके जो रिटर्न्स का पैटर्न है वो एक कंसिस्टेंसी के साथ आगे मूव करता रहे. गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है? इंटरेस्टिंग है ना? येस आई नो, बिकॉज फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम सभी के इंटरेस्ट की बात है. हम चाहते हैं कि कंट्री की प्रॉस्पेरिटी हो एंड स्पेशली एज द सिटीजन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज वी वुड लाइक टू हैव द प्रॉस्पेरिटी इन आवर कंट्री, बिकॉज हम चाहते हैं कि फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें. और पिछले कुछ अरसे में स्टेटिस्टिक्स ये कहती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में इवन इंडिया, बांग्लादेश इंक्लूडिंग पाकिस्तान डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा ट्रेंड जो है वो इंक्रीज हुआ है और उसकी मैंने आपको बहुत सारी रीजन साइट की हैं. नाउ द कॉस्ट रिलेटेड मोटिव्स, व्हाट आर द कॉस्ट रिलेटेड मोटिव्स फॉर डीएफआईज? मोटिव्स आर फुली बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. कॉस्ट को कम से कम करना चाहते हैं तो यू मे गो फॉर डीएफआई. सो इफ यू वॉन्ट टू फुली बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमीज ऑफ स्केल यू एस्टेब्लिश अ सब्सिडरी इन अ न्यू मार्केट वेयर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर कैन बी सोल्ड. दिस अलाउज फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ग्रेटर प्रोडक्शन एफिशिएंसी. सो इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देखें दो ही तरीके हैं, या आप अपना रेवेन्यू इन्हेंस कर दें या अपनी कॉस्ट कम कर दें. ऐसा ही होगा ना, वहीं से आपका जो ना वो थ्रोट कटिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है. आइदर यू इंक्रीज द सोर्सेज ऑफ योर रेवेन्यू आर यू कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसिस. समझ आ रहा है ना? बचत करने के दो तरीके हैं. एक तो यह कि आप अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ा लें, नंबर वन. नंबर टू ये कि आप अपनी कॉस्ट को कट कर लें जहां जहां पे आप एक्सपेंस आउट करते हैं. जहां पे आप अपना एक्सपेंस आउट करते हैं, कॉस्ट ज्यादा लगाते हैं, वहां से आप कम कर दें तो इवेंचुअली इट इज गोइंग टू बी इक्वल. सो एस्टेब्लिश अ सब्सिडरी इन अ न्यू मार्केट वेयर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर कैन बी सोल्ड. दिस अलाउज फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ग्रेटर प्रोडक्शन एफिशिएंसी. नाउ सेकेंड मोटिव इज टू यूज फॉरन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फॉरन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर आपका मोटिव है, देन एस्टेब्लिश अ सब्सिडरी इन अ मार्केट दैट हैज अ लोअर कॉस्ट ऑफ लेबर और लैंड, सेल द प्रोडक्ट्स एल्सवेयर. अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे अगर आप कम्पीट करना चाहते हैं तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ लेबर कम है. सो यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश अ सब्सिडरी इन अ मार्केट दैट हैज लोअर कॉस्ट ऑफ लेबर और लैंड, जहां पे आपको लेबर की कॉस्ट कम पड़े और जहां पे आपको लैंड की कॉस्ट कम पड़े, वहां पे आप जाके अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी बना लें. तो यू आर गोइंग टू कंट्रोल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो कम से कम हो जाएंगे, इवेंचुअली द मार्जिन विल बी बिगर. समझ आ रहा है ना? कॉस्ट कटिंग के मेथड्स बता रही हूं आपको, बेसिकली द कॉस्ट रिलेटेड मोटिव ऑफ एफडीआई. अगर आप एफडीआई करना चाहते हैं एंड यू हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट रिलेटेड मोटिव इन योर माइंड, व्हाट कैन बी डन. नंबर थ्री, Use foreign raw material. Establish a subsidiary in a market where raw materials are cheap and accessible. Sell the products in that market and elsewhere. अच्छा, यहाँ पे हमारे अपने मुल्क में भी बहुत सारे जो FDIs हैं वो इसलिए ओपन हुई हैं because we have the excess of raw material supply. और वो अपना प्लांट भी उस जगह पे establish करना चाहेंगे जहाँ पे आपकी raw material की supply करीब की एक्सेस आसान हो. वाई? ताकि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है रॉ मटेरियल को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे लेके जाने की, वो कम से कम हो. आपने देखा होगा कि जहां पे भी शुगर केन के फसलें होती हैं वहीं पे कहीं करीब शुगर मिल होती है. उसकी रीजन यह है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, अपने कंट्री की एग्जाम्पल लें, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक द रॉ मटेरियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉजिस्टिक्स, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा डेवलप नहीं है. बट वी डू हैव द एक्सेस ऑफ द रॉ मटेरियल सप्लाई अवेलेबल, विच इज अवेलेबल एट द वेरी वेरी चीप रेट. इस चीप रेट को भी एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत सारी डीएफआईज अट्रैक्ट होती हैं. तो अगर किसी एमएनसी का मोटिव ये है कि दे वॉन्ट टू एक्सप्लॉइट ऑन द चीप रॉ मटेरियल एंड द चीप लेबर सोर्सेज, देन
this is called the cost related motive for DFIs, and they are competing either on the use of the foreign factors of production, or they are, their motive is to use the foreign raw material which is available at a very reasonable and cheaper price. Number four, use foreign technology, labor, raw material, and now technology. Land Vidhayak, means of achieving benefit, participate in a joint venture or acquire an existing overseas plant to learn about foreign production processes so as to improve its own operations. So for if your motive is to achieve the foreign technology, you may participate in a joint venture or acquire an existing overseas plant so that you can learn about the foreign production processes so as to improve its own operation, ताकि अपने operations को आप improve कर सकें, उनको आप enhance कर सकें. Number five is react to the exchange rate movements. Again, this is the cost related motive, क्योंकि exchange rate fluctuation से भी you might incur huge losses. So you may react to the exchange rate movements. You establish a subsidiary in a new market where the local currency is weak but is expected to strengthen over time. आप exchange rate movement को भी exploit करने के लिए cost related motive use कर सकते हैं by establishing a subsidiary in a new market where the local currency is weak but is expected to strengthen over time. यानी उसकी फिलहाल तो currency weak है, लेकिन expect किया जा रहा है with the economic situation that it is going to strengthen further over time. The European Union's recent expansion enables members to transport products throughout Europe at reduced tariffs. Students, ये हम बात कर रहे हैं euro introduction की और फिर उसके करीब time period की. तो the European Union's की जो recent expansion है that enables the members to transport products throughout Europe at reduced tariffs. New low wage members such as Poland and Czech Republic and Romania were thus targeted for new DFI by MNCs that wanted to reduce manufacturing cost. तो जो low wage members हैं, जैसे कि countries जिनकी example Poland, Czech Republic and Romania, वहाँ पे बहुत सारी MNCs ने जाके DFIs शुरू की. And what was the motive? Motive was to reduce manufacturing cost. तो cost related motive आपके DFI के थे. और मैंने आपको बताया था कि cost related motive में आप क्या कर सकते हैं? You may enter, you may ये जो two और three है and four, you may use the foreign factors of production. You establish a subsidiary in a market that has a lower cost of labor or land. Sell the product elsewhere. Or you may establish a subsidiary in the market where raw materials are cheap and accessible and sell the market in the sell the product in the market and elsewhere. So that is basically how we move on. European Union की मैंने आपको example दी कि कुछ countries जहाँ पे हमारा availability of raw material और बाकी सब चीजें जो हैं वो reasonable थी, हम वहाँ चले गए और वहाँ से हमने उन सब चीजों को exploit किया. However, this is a trade-off. Thousands of jobs were lost in Western Europe. Trade-off से मतलब ये कि अगर एक जगह से कुछ आप अचीव कर रहे हो तो दूसरी जगह पे आपको कुछ छोड़ना भी पड़ेगा. इसका मतलब यह है कि थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स वर लॉस्ट इन दी वेस्टर्न यूरोप. जाहिर है कि अगर सारी जो एनर्जीज हैं, जो सब सब जितने भी ऑपरेशंस हैं, वो किसी खास जगह के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएंगे, तो इवेंचुअली देर विल बी अ जॉब लॉस इन दैट पर्टिकुलर एरिया. कंपेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ DFI अक्रॉस कंट्रीज. The optimal method for a firm to penetrate a foreign market is partially dependent on the characteristics of the firm. Repeat karun? Samajh aaya? Okay, I am repeating it. The optimal method for a firm to penetrate in the foreign market is partially dependent on the characteristic of the firm. Yani jab bhi koi firm kisi bhi foreign market mein enter hona chahti hai, usme penetrate karna chahti hai, it largely depends on कि उस मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. समझ आ रहा ना? इट पार्शियली डिपेंड्स ऑन के व्हाट काइंड ऑफ अ मार्केट इज दैट. सिर्फ ये नहीं कि आपकी विलिंगनेस शामिल है कि यू वांट टू एंटर एंड यू वांट टू पेनिट्रेट, बट इट आल्सो डिपेंड्स कि जिस मार्केट के अंदर आप पेनिट्रेट करने जा रहे हो उसका पोटेंशियल कैसा है. गेटिंग माई पॉइंट? सो द ऑप्टिमल मेथड फॉर अ फर्म
to penetrate a foreign market is partially dependent on the characteristic of the firm. यानी उस फर्म उस पर्टिकुलर मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके अंदर एब्जॉर्बिलिटी की या पेनेट्रेशन की कितनी गुंजाइश है, उस पर्टिकुलर मार्केट का पोटेंशियल कैसा है, दैट इज वॉट ऑल्सो मैटर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंज्यूमर्स आर यूज टू बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लोकल फर्म, देन लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स और ज्वाइंट वेंचर्स मे बी मोर अप्रोप्रिएट. अगर कंज्यूमर्स को ये आदत है कि दे आर यूज टू बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लोकल फर्म्स, तो तब अगर आप लाइसेंसिंग अरेंजमेंट कर लें या कोई ज्वाइंट वेंचर कर लें तो दैट इज गोइंग टू बी मोर अप्रोप्रिएट. और अगर इफ दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग मोर ऑफ द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, तो देन परहैप्स एक्सपोर्टिंग इज अ मोर वायबल ऑप्शन. तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि बिफोर एंटरिंग इन टू द मार्केट यू हैव टू सी द पोटेंशियल ऑफ दैट मार्केट, और उसके अंदर पेनिट्रेशन की कितनी गुंजाइश है, लोग किस हद तक कंज्यूमर्स का स्पेंडिंग पैटर्न क्या है और कंज्यूमर्स का बाइंग पैटर्न क्या है और उनकी बाइंग प्रेफरेंसेस क्या है, कंज्यूमर्स की बाइंग प्रेफरेंसेस क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वाई इज दैट? क्योंकि हम जिस मार्केट में एंटर होना चाह रहे हैं, अगर ऐसा है कि पीपल दे हार्डली स्पेंड ऑन कंपैरेटिवली, आप समझ लें कि जो रेडीमेड फूड्स हैं या सेमी प्रोसेस फूड्स हैं, अगर उसके ऊपर वो इतना लार्जली रिलाई नहीं करते एंड और हम कोई बहुत बड़ा अपना सेटअप लेके आना चाहते हैं उस कंट्री के अंदर जहाँ पे हम मतलब रेडीमेड प्रोडक्ट्स फूड आइटम्स या सेमी प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो परहैप्स दैट विल नॉट वर्क, क्योंकि वहां के लोगों का कंज्यूमर्स का की हैबिट अभी वैसी डेवलप नहीं हुई. अगर उसके मुकाबले में अगर आप किसी ऐसी कंट्री के अंदर जाके अपना ये पैटर्न ओपन करना चाह रहे हैं जहां पे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जहां पे वैल्यूज चेंज हो रही हैं, जहां पे पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी रेडीमेड फूड्स एंड टुवर्ड्स दी सेमी प्रोसेस्ड फूड्स, देन परहैप्स दिस इज गोइंग टू बी दी बेस्ट स्ट्रेटजी टू ओपन अप सच ऑपरेशंस ओवर देयर. फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंज्यूमर्स आर यूज टू बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लोकल फर्म्स, देन लाइसेंसिंग अरेंजमेंट और द ज्वाइंट वेंचर्स मे बी मोर अप्रोप्रिएट. सो दिस वॉज द केस. Comparing the benefits of DFI across countries, before investing in a foreign country, the potential benefits must be weighed against the cost and risk associated with that specific country. अच्छा, dear students, जब भी हम किसी foreign country के अंदर invest करना चाहते हैं तो हमने ये जरूर देखना है कि potential benefits must be weighed against the cost, जिसको हम बहुत दफा finance की language में generally और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंस की लैंग्वेज में पर्टिकुलरली वी डू ऑलवेज द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. दिस इज द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. यू आर गोइंग टू वे द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स अकॉर्डिंगली सो दैट वी आर गोइंग टू कीप आर कॉस्ट एंड रिस्क एसोसिएटेड विद दैट स्पेसिफिक कंट्री इन माइंड. हमने उस कंट्री की कॉस्ट भी और रिस्क भी जो उसके साथ एसोसिएटेड है, वी हैव टू कीप दैम इन आर माइंड. जैसे कि स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, दैट वॉज मच मच वर्सन ऑफ. उसकी बहुत सारी रीजन्स थी बिसाइड्स द एनर्जी क्राइसिस एंड द कंट्रीज पोलिटिकल कंडीशन विच वॉज क्वाइट अनस्टेबल एंड मैनी मैनी थिंग्स मैनी मैनी फैक्टर्स दैट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड द रिस्क विच आर एसोसिएटेड. The people from outside the world or investors from outside the world, the foreign direct investors, they avoided or they they were reluctant, in other words, to invest in our country because of all these fears and risks which were associated with our country. तो जब भी आप किसी दूसरे country के अंदर foreign country के अंदर जाके invest करने के बारे में सोचें, तो you should keep in mind that उस कंट्री के स्पेसिफिकली क्या हालात हैं, आपने उसका माइक्रो एनालिसिस पूरा कंप्लीट करना है. हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एक और चैप्टर में जिसका नाम है कंट्री रिस्क एनालिसिस, थोड़ा सा कुछ आगे जाके दो चार लेक्चर्स के बाद. उसमें आपको मैं पूरा डिटेल से बताऊंगी कि जब हम किसी कंट्री के अंदर एंटर होते हैं तो उस कंट्री के स्पेसिफिक रिस्क को हम कैसे एनालाइज करते हैं, उसका हम स्पेसिफिक कैलकुलेशन करते हैं, और फिर हम उस कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर वी डिसाइड दैट वेदर वी शुड गो फॉर दैट कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट और नॉट. और उसके अलावा बहुत सारी हमारी
जो जजमेंट्स हैं वो सब्जेक्टिव बेस्ड भी होती हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस. परहैप्स आपने उससे पहले वहाँ पे कोई लाइसेंसिंग अरेंजमेंट किया हो, कोई ज्वाइंट वेंचर किया हो, या उससे पहले आपका कोई एक्सपोर्ट में उस कंट्री के साथ आपका ताल्लुक रहा हो, तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उस चीज का भी होता है. सो दैट इज अनदर थिंग. इन पर्टिकुलर द एमएनसी विल वॉन्ट टू रिव्यू द फॉरन कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल अदर इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एज वेल एज द पोलिटिकल स्ट्रक्चर एंड द पॉलिसी इशूज. तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर मैं आपसे पहले थोड़ी देर पहले मैं बात कर चुकी हूँ कि एमएनसी वुड लाइक टू हैव अ रिव्यू ऑफ द फॉरन कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी और उसके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी देखना है, और साथ साथ उसके पोलिटिकल स्ट्रक्चर्स को भी और साथ साथ उसके पॉलिसी इशूज को भी. बेसिकली आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसी टर्मिनोलॉजी बताने लगी हूँ कि अगर आप इसको याद कर लेना तो फिर आपको ये सारे एनालिसिस जबानी याद होंगे. दैट इज नोन एज पेस्ट एनालिसिस. पेस्ट एनालिसिस स्टैंड्स फॉर, आपने ओवरऑल मैक्रो सारा करना है. पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल E stands for economic, S stands for social, and T stands for technological. तो स्टूडेंट्स, बेस्ट एनालिसिस से मतलब यह है कि आपने हर चीज को देखना है, उसका पोलिटिकल इन्वायरमेंट देखना है, उसका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट देखना है, उस कंट्री का सोशल इन्वायरमेंट देखना है, एंड ऑल्सो द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. सो बेस्ट एनालिसिस की मदद से you would have the review of that foreign country's situation, uski full picture aapko mil jayegi. So studying all the macroeconomic indicators, that is very very important, keeping in view the political condition, structure and policy issues also in line. Comparing the benefits of DFIs over time, as conditions change over time, some countries may become more attractive targets for DFI while other countries become less attractive. अच्छा स्टूडेंट्स, कंडीशंस जो है वो चेंज होती रहती हैं, एंड विद चेंजेस कुछ कंट्रीज जो हैं वो दे बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड सम कंट्रीज दे बिकम लेस अट्रैक्टिव. अब वो कौन सी चेंजेस हैं? वो यही सारी चेंजेस हैं जो हमने पास्ट एनालिसिस के अंदर पढ़ी, दैट इज कंट्रीज पोलिटिकल कंडीशन माइट बी गेटिंग मोर स्टेबल. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर दिस इलेक्शन 2003 वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी. तो ज्यूम कर लें, तो और साथ ही ये ज्यूम कर लें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके साथ इंक्रीज होगी. समझ आ रही है ना? सिमिलरली इसका मतलब है कि डीएफआई के लिए सिचुएशन या इन्वायरमेंट जो है वो ज्यादा फिजिबल हो गई या ज्यादा कंड्यूसिव हो गई फॉर द डीएफआई. इसी तरह अगर कंट्री की समटाइम्स जो सोशल इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उनकी परचेजिंग पावर बेहतर हो रही है, एटसेट्रा, अगेन वी मे एक्सपेक्ट कि डी एफ आईज ज्यादा रिटर्न देंगी, ज्यादा सुटेबल करें होंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो वक्त के साथ जैसे कंडीशन चेंज होती है, आइदर इट इज पोलिटिकल, आइदर इट इज इकोनॉमिक, आइदर इट इज लीगल, आइदर इट इज सोशो टेक्नोलॉजिकल, आपकी जितनी भी शिफ्ट हैं जो उसके लिहाज से आपकी जो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हैं वो चेंज होती हैं. इन्वेस्टमेंट शिफ्ट उस वक्त चेंज होगी when the condition is going to change. जब condition change होगी तो उसी के लिहाज से आपके जो targets हैं they are also going to be changed. Europe, especially Eastern Europe, Latin America and Asia now receive a larger proportion of DFI than in the past. तो during the last decade हमारे पास बहुत ज्यादा DFI आई, और उसकी reason ये थी कि because this area has found a better growth of and better growth of stability and also the more potential for encouraging this DFIs. तो इस एरिया ने स्पेसिफिकली ये शो किया, ये पोटेंशियल शो किया दैट दे हैव द पोटेंशियल टू ग्रो फर्दर. इसकी वजह से पिछले कुछ अरसे के अंदर यहाँ पे DFIs को बहुत ज्यादा बूम मिला, और बहुत ज्यादा स्टेटिस्टिक्स भी ये शो करती हैं कि यहाँ पे DFIs एक बहुत बड़ी तादाद में इन कंट्रीज के अंदर एंटर हुई हैं एंड दे हैव फ्लरिश्ड अ लॉट एशिया में एंड लैटिन अमेरिका में.
नाउ द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट इज इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन? जैसे कि मैंने आपको उससे पहले भी बताया कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिसके डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स हैं आप उनको अपने पोर्टफोलियो में रखें, सो दैट वन बिजनेस रिटर्न इज गोइंग टू ऑफसेट द रिटर्न ऑफ द अदर. अगर एक को लॉस हो रहा है तो दूसरे का गेन उसको ऑफसेट करे. द की टू इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन इज टू सिलेक्ट फॉरन प्रोजेक्ट्स हुज परफॉर्मेंस लेवल्स आर नॉट हाईली कोरिलेटेड ओवर टाइम. समझ आ रहा है? आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि हमने कोरिलेशंस पढ़े थे एंड वी टॉक्ड अबाउट द पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जिनके आपस में कोरिलेशन ना हो परहैप्स दैट इज बेटर. व्हाई? अगर आपस में कोरिलेशन नेगेटिव होगा तो वो एक दूसरे के रिटर्न्स को ऑफसेट करेंगे. लाइक अगर एक का को गेन हो रहा है दूसरी सिक्योरिटी को लॉस हो रहा है तो दे आर गोइंग टू ऑफसेट. लेकिन अगर दोनों ही सिक्योरिटीज को या दोनों ही प्रोजेक्ट्स को इकट्ठे बेनिफिट होता है और इकट्ठे लॉस होता है तो जब वो लॉस वाला स्लम आता है ना उसमें आप सर्वाइव नहीं कर पाते. लाइक अगर आपके रिटर्न का पैटर्न ये है, इन्वेस्टर इस पॉइंट के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होगा आपके फर्म के साथ काम करने में और आप इसके ऊपर इतना वीक भी हो सकते हो कि यू विल नॉट बी एबल टू मीट योर ऑपरेटिंग कॉस्ट. इसकी बजाय अगर हमारा इस किस्म का कोई साइकिल मिल जाए तो परहैप्स इन्वेस्टर्स दे आर गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस. समझ आ रहा है? सो द की टू इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन इज टू सेलेक्ट फॉरन प्रोजेक्ट्स हुज परफॉर्मेंस लेवल्स आर नॉट हाईली कोरिलेटेड ओवर टाइम. तो हम ऐसे फॉरन प्रोजेक्ट्स को चूज करें जिनका परफॉर्मेंस लेवल एक दूसरे के साथ हाईली कोरिलेटेड नहीं है. इन दिस वे द वेरियस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आर लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस पुअर परफॉर्मेंस साइमल्टेनियसली. इस तरह बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स दे आर लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस पुअर परफॉर्मेंस साइमल्टेनियसली. बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को दे आर गोइंग टू अवॉइड द पुअर परफॉर्मेंस. मतलब एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली का मतलब यह एक ही वक्त में सारे प्रोजेक्ट्स के रिटर्न नीचे आ जाएं और एक ही वक्त में सारे प्रोजेक्ट्स के रिटर्न ऊपर आ जाएं. अगेन दैट इज नॉट अ वेरी वेरी हैप्पी सिचुएशन एंड इनकरेजिंग सिचुएशन. इन्वेस्टर यह देखता है कि आपके जो रिटर्न का पैटर्न है दैट इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट ओवर टाइम. कंसिस्टेंट का मतलब यह कि उसका एक उसके अंदर एक रेगुलरिटी होनी चाहिए. आप खुद बताएं ना, अगर कोई आपके पास ऑप्शन है कि यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ शेयर ऑफ स्टॉक, अगर उस शेयर ऑफ स्टॉक की कभी तो प्राइस होती है 32, कभी उसकी होती है 64, कभी उसकी होती है 128, कभी उसकी होती है 32 अगेन, कभी उसकी होती है 18. इस तरह के पैटर्न में वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ अ स्टॉक? आप कहेंगे बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा पैटर्न है, ये एकदम ऊपर जाता है एकदम नीचे आ जाता है, कुछ कह नहीं सकते. और इस तरह की जो ब्रैकेट्स हैं उनको क्लोजली फॉलो करना भी बड़ा मुश्किल है कि जब 64 से 128 पे जाएगा उस वक्त मैं इन्वेस्ट करूंगा. भाई वो कब होगा? यू डू नॉट नो. प्रीवियस पैटर्न्स डू नॉट लिटरली फॉलो इन द फ्यूचर. जरूरी नहीं है जो पास्ट में हुआ वही फ्यूचर में होने जा रहा है. तो यू कैन नॉट कैच अपॉन सच स्मॉल ब्रैकेट्स इवन. सो जो पुअर परफॉर्मेंस वाले साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट्स हैं, वेरियस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आर लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस पुअर परफॉर्मेंस साइमल्टेनियसली. तो बहुत दफा ऐसा होता है कि इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन से जो उनकी पुअर परफॉर्मेंस होती है वो बैलेंस ऑफ हो जाती है. सो वी आर गोइंग टू हैव द स्टडी रिटर्न्स विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन. नाउ द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स ऑफ फॉर मैरी मैक कंपनी. मैरी मैक कंपनी या यूएस फर्म प्लान्स टू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट इन आइदर द यूएस और द यूके. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट इफ लोकेटेड इन द यूएस. ये आपको पैटर्न्स दिए हुए हैं. प्रोजेक्ट्स मीन एक्सपेक्टेड एनुअल आफ्टर टैक्स रिटर्न 25, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.09 एंड 0.11 एंड कोरिलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स रिटर्न विद रिटर्न ऑफ ऑन एग्जिस्टिंग यूएस बिजनेस 0.80 एंड 0.02. अब आप इसमें से किसको चूज करेंगे? इन टर्म्स ऑफ रिटर्न नाइदर न्यू प्रोजेक्ट हैज एन एडवांटेज. विद रिगार्ड टू रिस्क, the new project is expected to exhibit slightly less variability in return if it is located in the US. US ke andar variability of returns kam hogi 0.09 as compared to the UK that is 0.11.
However, estimating the risk of the individual projects without considering the overall firm would be a mistake. तो अगर हम इसको ओवरऑल रिस्क को लिए बगैर अगर हम उसकी असेसमेंट करें तो अगेन वी विल बी रॉन्ग. सपोज दैट द प्रोजेक्ट विल कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ द मेरीमैक्स टोटल फंड इन्वेस्टेड इन इटसेल्फ एंड दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑन इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस इज 0.10. इफ द न्यू प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द यूएस द पोर्टफोलियो वेरियंस फॉर द ओवरऑल फर्म इज हमने इसका जो पोर्टफोलियो बनाया वो सिंस द इन्वेस्टमेंट इज इन टू कंट्रीज तो हमने दो कंट्रीज के हिसाब से बनाया. 30% आपका जो है ना वो प्रोजेक्ट 30% इसमें है और रिमेनिंग 70% इधर है. तो 30% को आप उसकी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन उससे मल्टीप्लाई कर दें और 0.70 को 0.10 से. यहां देखें 0.70 एंड 0.10. सो मल्टीप्लाइड बाय उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट्स से मल्टीप्लाई करें सो यू आर गोइंग टू गेट द पोर्टफोलियो वेरियंस दैट इज इक्वल टू 0.0085 8653. इफ द न्यू प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द यूके द पोर्टफोलियो वेरियंस फॉर द ओवरऑल फर्म. अब हम यूके के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं. अगर यूके के अंदर हमारी ये इन्वेस्टमेंट है तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी आपकी. यहां देखें वैल्यूज आपकी चेंज होगी. दस एज अ होल द मेरीमैक विल जनरेट मोर स्टेबल रिटर्न इफ द न्यू प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन यूके. सो हमने ये देखा 0.006 आपकी आई पोर्टफोलियो वेरियंस अगर आप यूके में लोकेट करें और अगर आप यूएस में लोकेट करें तो योर पोर्टफोलियो वेरियंस इज दिस मच 0.008. ये कम है. वी ऑलवेज गो फॉर द लोअर वेरियंस. ये हमारी लो वेरियंस है 0.00608. तो एज अ होल मेरीमैक विल जनरेट मोर स्टेबल रिटर्न इफ द न्यू प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द यूके. तो अगर यूके में लोकेट होगा ये प्रोजेक्ट तो पोर्टफोलियो वेरियंस कम आएगी एंड वी आर गोइंग टू प्रेफर दिस प्रोजेक्ट. डाइवर्सिफिकेशन एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स. लाइक एनी इन्वेस्टर NMNC विद प्रोजेक्ट्स पोजिशन अराउंड द वर्ल्ड इज कंसर्न विद द रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्म. अच्छा किसी और इन्वेस्टर की तरह MNC अपने प्रोजेक्ट्स को उस तरह से पोजीशन करेंगे विद व्यू टू कीप इन माइंड द रिस्क एंड रिटर्न पैटर्न्स ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स. रिस्क एंड रिटर्न पैटर्न्स का मतलब है कि जो हमने जनरल फार्मूला फाइनेंस में हम हमेशा हर जगह कोट करते हैं दैट इज हायर द रिस्क हायर इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न. अब इस हाई द रिस्क जो है हायर द रिस्क अब इसको इस रिस्क को लेने की क्या प्रोपेंसिटी है. आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं कितना रिस्क ले सकते हैं क्या प्रोपेंसिटी है. कुछ लोग ज्यादा रिस्क लेंगे कुछ लोग कम रिस्क लेंगे. अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ ऑन द टाइप ऑफ द मैनेजर यू आर और फिर यह कि मैनेजरियल प्रोजेक्ट्स आप कौन से वाले लेना चाहते हैं MNC कौन से प्रोजेक्ट्स को ऑप्ट करेगी दैट लार्जली डिपेंड्स ऑन देयर रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल एंड ऑल्सो द मैनेजर्स ओन वेरी ओन कैपेबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग फॉर द रिस्क एवरियन. द पोर्टफोलियो ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स रिफ्लेक्ट द MNC इन एग्रीगेट. आपने अपने प्रोजेक्ट्स का क्या आपके पास क्या पोर्टफोलियो है प्रोजेक्ट्स का वो बताएगी बेसिकली कि आपकी MNC क्या है टोटल में. समझ में आ रहा है ना. इज दैट क्लियर. जैसे हाउ डू यू मैनेज योर सेल्फ हाउ डू यू कीप योर सेल्फ आपकी ड्रेसिंग कैसी है आपकी बातचीत का स्टाइल कैसा है ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं. ठीक है ना. आपका प्रोजेक्ट नंबर 1 हाउ डू यू ड्रेस अप. नंबर 2 हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ. नंबर 3 इज हाउ डू यू कीप हाउ यू कम्युनिकेट विद अदर्स व्हाट इज योर लैंग्वेज स्टाइल. आपकी जितनी भी ये सब चीजें हैं दैट इज द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. समझ आ रहा ना. बिल्कुल इसी तरह से किसी MNC के पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं और वो एक दूसरे को कैसे ऑफसेट कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट व्हाट एन MNC इज. आपका ड्रेसिंग स्टाइल क्या है आपका बातचीत का स्टाइल क्या है हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ आप में कॉन्फिडेंस कितना है ये सारी चीजें मिक्स बना के आपकी पर्सनैलिटी बनाती हैं. ऐसी बात है ना. एक MNC की पर्सनैलिटी क्या है या एक MNC क्या है उसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और उन प्रोजेक्ट्स के रिस्क एंड रिटर्न पैटर्न्स कैसे हैं और उनका वो एक दूसरे के साथ क्या कोरिलेशन है. क्या एक प्रोजेक्ट के रिस्क एंड रिटर्न दूसरे के रिस्क एंड रिटर्न को ऑफसेट करते हैं या नहीं करते दैट इज द की. अच्छा यहां देखें यहां पे हमें एक प्रोजेक्ट नजर आ रहा है हमने इसको रिस्क एंड रिटर्न के कॉन्टिनम से
सिंपली हमने ड्रॉ कर लिया. ऑन एक्स एक्सिस वी हैव रिस्क एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव द एक्सपेक्टेड रिटर्न. यहाँ पे जो हमारे पास प्रोजेक्ट ए है दैट इज द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द ग्रेटर रिस्क. रिटर्न तो सबसे ज्यादा है ही है जनाब, लेकिन साथ क्या है, रिस्क भी तो बहुत हाई है ना. ये भी देखें, फ्रंटियर ऑफ द एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स, दिस इज कॉल्ड द एफिशिएंट फ्रंटियर प्रोजेक्ट्स. ये इसको, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द फ्रंटियर ऑफ एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स. ये इस लाइन के ऊपर जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं दे हैव गॉट द मैक्सिमम लेवल ऑफ रिटर्न एट अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क. और जो इस लाइन से जो नीचे नीचे प्रोजेक्ट्स हैं दे आर लेस एफिशिएंट. समझ आ रहा है, ये जो लाइन आपके ऊपर ड्रा हुई हुई है दिस इज कॉल्ड द फ्रंटियर ऑफ एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स. स्टूडेंट्स ये बहुत डिटेल्ड थ्योरी है जिसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, शायद आपको इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ने का इत्तेफाक हो इसको, दैट इज कॉल्ड द, या हुआ हो, दैट इज कॉल्ड द मार्कोविट्स एफिशिएंट फ्रंटियर. मार्कोविट्स एफिशिएंट फ्रंटियर ये कहता है कि दे हैव गिवन द एफिशिएंट फ्रंटियर ऑफ सर्टेन प्रोजेक्ट्स हु हैव गॉट द मैक्सिमम रिटर्न एट अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क. इस पूरी लाइन के ऊपर हमारे पास वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका एट अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क मैक्सिमम रिटर्न है, या एक रिटर्न के ऊपर मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क है. सो व्हेन द प्रोजेक्ट्स आर कंबाइंड अप्रोप्रिएटली द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मे बी एबल टू अचीव रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एग्जिबिटेड बाय एनी ऑफ द पॉइंट्स ऑन द फ्रंटियर ऑफ एफिशिएंट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज. तो जब प्रोजेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होगा, व्हेन दे आर कंबाइंड अप्रोप्रिएटली द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मे बी एबल टू अचीव द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. रिस्क रिटर्न का ट्रेड ऑफ हमें मिल सकता है. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब यह है कितना रिस्क आप लेते हैं और उसके मुकाबले में आपको कितना रिटर्न मिलता है. अगर आप कम रिस्क लेंगे तो आपको कम रिटर्न मिलेगा, अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा. नाउ यू हैव टू ट्रेड ऑफ. ट्रेड ऑफ का मतलब यह है कि यू आर ट्रेडिंग ऑफ फॉर द रिटर्न. अगर आप कम रिस्क ले रहे हैं तो यू आर ट्रेडिंग ऑफ फॉर द हाई रिटर्न. यानी अगर आप कम रिस्क ले रहे हैं इसका मतलब आपको कम रिटर्न मिलेगा, तो आप ट्रेड ऑफ कर रहे हैं फॉर द हाई रिस्क एंड फॉर द हाई रिटर्न प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज अलॉन्ग द एफिशिएंट फ्रंटियर एग्जिबिट मिनिमम रिस्क फॉर अ गिवन एक्सपेक्टेड रिटर्न. ऑफ दीज एफिशिएंट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज एन एमएनसी मे चूज वन दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू इट्स विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्क. अब इन एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स में से एमएनसी वो चूज करेगी दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्क. एमएनसी कितना रिस्क लेना चाहती है वो उसके मुताबिक उस एफिशिएंट फ्रंटियर में से कोई प्रोजेक्ट अपने लिए चूज कर लेगी. द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द फ्रंटियर ऑफ द एफिशिएंट पोर्टफोलियो डिपेंड्स ऑन द बिजनेस इन विच द फर्म इज इन्वॉल्व. अब उसकी लोकेशन क्या है, अगेन इट लार्जली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस इन विच द फर्म इज इन्वॉल्व. सम एमएनसीज हैव फ्रंटियर्स ऑफ पॉसिबल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज दैट आर मोर डिजायरेबल देन द फ्रंटियर्स ऑफ अदर एमएनसीज. कुछ एमएनसीज के जो हैं दे हैव फ्रंटियर्स ऑफ पॉसिबल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज दैट आर मोर डिजायरेबल देन द फ्रंटियर्स ऑफ द अदर एमएनसीज. अब ये देखें, ये इसका जो फ्रंटियर है दैट इज दिस वन एफिशिएंट फ्रंटियर फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट एमएनसी, और उसका फ्रंटियर इंप्रूव हो गया फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट एमएनसी. यानी अगर आप ये वाला पॉइंट लेना इस रिस्क के ऊपर सिंगल प्रोडक्ट का जो रिटर्न है वो ये है इस एमएनसी का, लेकिन इसी रिस्क के ऊपर अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो हमारा जो रिटर्न है फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट वो ये है. इसका मतलब ये है कि अगर एमएनसी मल्टी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो परहैप्स दे विल बी बेटर एबल टू प्रोड्यूस बेटर एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क. यानी सेम लेवल ऑफ रिस्क के ऊपर सिंगल प्रोडक्ट एमएनसी जो है वो लेस रिटर्न प्रोड्यूस कर रही है, परहैप्स 10% ओनली, एंड मोर रिटर्न्स फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट एमएनसी. यानी रिस्क लेवल वही है, लेट्स से दिस इज 10%, 10% रिस्क के ऊपर 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न है फॉर अ सिंगल एमएनसी प्रोडक्ट, लेकिन सेम लेवल ऑफ रिस्क के ऊपर फॉर द मल्टी प्रोडक्ट रिटर्न इज 30%. व्हाई इज दिस सो? बिकॉज दे माइट बी हैविंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स. जब भी मल्टी टाइप की चीजें होती हैं तो उसमें वो ऑफसेट कर देता है एक के लॉस को दूसरे के लॉस से, एक के लॉस को दूसरे के गेन से. तो इस तरह की ये चीजें बहुत कॉमन है.
Our discussion suggests that MNCs can achieve more desirable risk return characteristics from their project portfolios if they sufficiently diversify among products and geographic markets. तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर MNCs products के दरमियान में diversification करें and they are going to go to different geographic markets, then definitely they are going to improve on their returns and they are going to improve on the return patterns, जैसे कि हमने risk and return of the multi MNC which is involved in multi production वो देखा. Comparison of the economic growth among countries ये आपको नजर आ रही है, जिसमें हमारे पास बड़ा ही consistent pattern है Canada का comparatively and UK का and you can see a very Germany का बड़ा plus minus में, similarly Japan का भी और Mexico का बिल्कुल लगता है mirror image है. Decision consequence to DFI. Some period decisions are necessary. Some periodic decisions are very very important. Periodic decisions का मतलब यह है कि over a given period of time we are going to make a particular decision. Should further expansion take place? क्या हमें और expansion करनी चाहिए? ये वो decisions हैं जो आपने time to time लेने हैं. थोड़ा time गुजर गया, आपने देखा things went well. Now you are in a position to expand further. Should we expand further or not? अब इस point पे आपने decide करना है कि क्या आप further expansion के लिए जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते. Should the earnings be remitted to the parent or used by the subsidiary? क्या earnings parents की रखें और they are going to be used by the subsidiary. Again, ये कई दफा subsidiary के अपने हाथ पे नहीं होता. कई दफा जो है वो home country खुद से restriction लगाती है कि इतने percent जो है वो reinvest करना है और इतने percent आप अपने home country में लेके जा सकते हैं. जो ज़्यादा developing countries हैं, जो less developed world है, they do not have such restrictions. बेशक सारे का सारा amount जो है वो parent country में ले जाए, लेकिन some countries they do have restrictions कि वो subsidiary कुछ सब्सिडरी के अंदर ही रीइन्वेस्ट करें और बाकी जो है वो पेरेंट के अंदर ले जाएं. दीज डिसीजंस शुड बी एनालाइज्ड ऑन अ केस बाय केस बेसिस. केस बाय केस का मतलब है एक कंट्री का डिसीजन दूसरे से डिफरेंट होगा. होस्ट गवर्नमेंट व्यू ऑफ डीएफआई. जहां पे आप डीएफआई प्लेस करते हैं उसका क्या व्यू है. ईच गवर्नमेंट मस्ट वे द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीएफआई इन इट्स कंट्री. गवर्नमेंट का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डीएफआई के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंपेयर करें, कॉस्ट क्या है और बेनिफिट क्या है. गवर्नमेंट में प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू एनकरेज डिजायरेबल फॉर्म्स ऑफ डीएफआई एंड इम्पोज प्रिवेंटिव बैरियर्स और कंडीशंस ऑन अदर फॉर्म्स ऑफ डीएफआईज. वो कई दफा ऐसा होता है गवर्नमेंट इनकरेज भी करती है फॉर सम फॉर्म्स ऑफ डीएफआईज, और ये भी हो सकता है कि फॉर मेनी अदर्स दे मे इम्पोज प्रिवेंशन बैरियर्स और कंडीशंस ऑन अदर फॉर्म्स ऑफ डीएफआईज. इंसेंटिव टू इनकरेज डीएफआईज. अब कई दफा यह है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव भी देती है टू इनकरेज डीएफआईज. द आइडियल डीएफआई सॉल्व्स प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजी विदाउट टेकिंग बिजनेस अवे फ्रॉम द लोकल फर्म. अच्छा, जरूरत इस बात की होती है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें कि दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन देयर कंट्री. तो अनएम्प्लॉयमेंट को बेहतर करने के लिए और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी जो उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए डीएफआईज को वेलकम किया जाता है इन दी डेवलपिंग कंट्रीज. और साथ साथ ये भी कि ऐसा ना हो कि जो लोकल फर्म्स का बिजनेस है वो ना बाहर चला जाए. वी वुड ऑलवेज वॉन्ट जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज हैं कि लोकल फर्म्स का बिजनेस खराब ना हो, क्योंकि अगर लोकल इंडस्ट्री सफर करेगी तो इवेंचुअली जो कंट्री जो है ना वो दैट इज एट स्टेक. आपका कंट्री जो है ना वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा इफ द लोकल इंडस्ट्री इज नॉट सेफ और इफ द लोकल फर्म्स दे आर नॉट वर्किंग और इफ द लोकल बिजनेस इज गोइंग अवे. जो हमारा प्रेजेंट एनर्जी क्राइसिस है, आई वुड लाइक टू हाईलाइट, उसकी वजह से हमारा लोकल बिजनेस जो है दैट इज सफरिंग अ लॉट, और जो कि नहीं चाहिए कि ऐसा हो, और जिसकी वजह से यह कि कंट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर आ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारी सारी पावर लूम्स बंद हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बीइंग अफेक्टेड लार्जली एंड मेनी अदर्स हु आर डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी दे आर बीइंग अफेक्टेड. तो
लैक ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं चाहती एंड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं चाहती. उसके अलावा दे आर नॉट दे डू नॉट वॉन्ट टू सफर द लोकल बिजनेस. दैट इज बेसिकली द इंसेंटिव. कॉमन इंसेंटिव ऑफर्ड बाई द होस्ट गवर्नमेंट इंक्लूड टैक्स ब्रेक्स, डिस्काउंटेड रेंट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग्स, लो इंटरेस्ट लोन्स, सब्सिडाइज्ड एनर्जी एंड रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये इनके ऊपर मैं आपको बारी बारी बात करती हूँ. कॉमन इंसेंटिव्स जो होस्ट गवर्नमेंट देती है, जिसकी वजह से DFIs वेलकम होती हैं या दे वांट टू कम, उसके अंदर एक तो आ गई आपकी टैक्स ब्रेक्स. आपको कई दफा, जैसे मैंने आपको कॉल सेंटर्स की एग्जांपल दी, टैक्स फ्री जोन्स मिल जाते हैं या टैक्स सब्सिडीज मिल जाती हैं, टैक्स ब्रेक्स मिल जाते हैं. कई दफा रेंट आपको बहुत डिस्काउंटेड मिल जाता है या लैंड और बिल्डिंग बहुत कम पैसों में मिल जाती है. सिमिलरली DFIs को जो एक और बेनिफिट हो सकता है वो ये हो सकता है कि लोकल मार्केट से अगर आप लो इंटरेस्ट लोन्स इशू करवा सकते हैं उनकी कैपिटल मार्केट से, सब्सिडाइज्ड एनर्जी, जैसे कि मैं आपको बताया यूटिलिटी बिल्स नहीं होते कई कई जगहों के ऊपर, एंड रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस. जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहां पे एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हैं. अभी जो है बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी ये रुझान चल पड़ा है, लेकिन यह है कि फिर भी कंपैरेटिवली देयर आर लेसर एनवायरमेंटल रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस. नाउ बैरियर्स टू DFIs, क्या क्या बैरियर्स हैं. गवर्नमेंट्स आर लेस एंशियस टू इनकरेज DFI दैट एडवर्सली अफेक्ट लोकल फर्म्स, कंज्यूमर्स एंड द इकोनॉमी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट्स दे आर वेरी वेरी लेस एंशियस टू इनकरेज DFIs जो कि इफेक्ट करें लोकल फर्म्स को, कंज्यूमर्स को एंड इकोनॉमी को. द DFI बैरियर्स इंक्लूड रेगुलेशंस गवर्निंग mergers and acquisitions. Mergers and acquisition is a corporate strategy which the firms take in order to improve their business, to expand their market base, to increase their market share, etc. Restrictions on the foreign ownership of the local firms, red tape is basically the procedural and documentation requirements, the political influence of the local firms and the political instability. These are all the barriers to the DFI. जैसे कि मैंने आपको बताया कि political instability, इससे पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया, and especially the जो government making processes and the style of government that is existing, that is the barrier to DFI. Government imposed conditions to engage in DFI. Some governments allow international acquisitions but impose special requirement on the MNC that desire to acquire a local firm. Ab kuch governments aisi hoti hain, they allow the international acquisitions but impose special requirements on the MNCs that desire to acquire a local loan. Such conditions include environmental constraints, restrictions on the local sale and employment requirements. Ab kuch restrictions laga deti hain jiski wajah se bhi jo DFIs hain wo limited, jo unka role hai wo limited ho jata hai. So students, this was about the government imposed conditions to engage in DFI. Dear student, this was all about today's lecture. I hope you have enjoyed. Humne aaj baat ki DFIs ke upar, direct foreign investment ke upar. Maine aapko uske motives bataye, why the firms they want to enter into the direct foreign investments, what are the benefits, usse kya kya benefits derive hote hain, what are the opportunities that may arise, aur iske alawa students humne ye padha ke दोनों, एक हमारा था होम कंट्री और एक हमारा था होस्ट कंट्री. ये हमारा होम कंट्री था, लेट्स से दिस इज द पेरेंट कंट्री, कंट्री हु वांट टू इन्वेस्ट इन सम होस्ट कंट्री. ये जो होम कंट्री है ये इसमें DFI लेके जाना चाह रहा है. इसको क्या, इसके क्या कॉस्ट एंड बेनिफिट्स हैं ये हमने देखे थे. गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस को हमने बड़ी डिटेल से फॉलो किया. होम कंट्री को क्या कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस पढ़े हमने बड़ी डिटेल में. एंड व्हाट वर द बैरियर्स दे वर फेसिंग व्हाइल एंटरिंग इनटू द होस्ट कंट्री. अच्छा, जनरली जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जितने भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो दे ऑलवेज वुड लाइक टू वेलकम DFIs. उसकी रीजन ये थी क्योंकि दे वांटेड टू इनकरेज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन देयर कंट्री. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी इंक्रीज करने के लिए दे वांटेड टू हैव दिस DFIs टू बी वेलकम्ड इन देयर कंट्री. और कई दफा टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए भी
दी फर्म्स दे आर इंटरेस्टेड इन डीएफआईज. और इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कम लगाती हैं एज कम्पेयर टू दी मोर डेवलपिंग कंट्रीज. और इसी चीज को एक्सप्लॉयट करने के लिए दी चीप रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, सब्सिडाइज्ड यूटिलिटीज, दीज आर ऑल दी अट्रैक्शंस फॉर द डीएफआईज विच नॉर्मली द होस्ट गवर्नमेंट इज ऑफरिंग टू द पेरेंट कंट्री फॉर द इन्वेस्टमेंट. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.